मैच नंबर 31 पिशावर के यासीन खान और पिशावर यासीन खान और अब्दुल मजीद पिशावर से यासीन खान और पिशावर से अब्दुल हसीन शबीर मुनीर लास्ट अनाउंसमेंट मैच नंबर 33 रावलपिंडी से मोहम्मद कामरान फैसलाबाद से मौसम रावलपिंडी से मोहम्मद कामरान फैसलाबाद से मौसम एसोसिएशन और एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पी के सैयद आदिल शाह और जिनके साथ साथ सेक्रेटरी तैयार पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन जुल्फिकार अली भट्ट साहब भी हैं और साथ ही साथ चेयरमैन तैयार पख्तूनख्वा टैकोल्डो एसोसिएशन इलियास अफरीदी और उनके साथ जो है तो सेक्रेटरी पाकिस्तान की सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन तारिक तो सब मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से से करते हैं मैं चेयरमैन तैक्वांडो एसोसिएशन जनाब इलियास अफरीदी साहब के साथ हूँ तो तलावत कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। यहाँ इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे दरमियान यहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद आदिल शाह साहब खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक के प्रेसिडेंट सैयद आदिल शाह साहब के लिए एक पुरजोर तालियां। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया से यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के प्रेसिडेंट तारिक परवेज साहब भी मौजूद हैं। आज उनका भी नेशनल इवेंट यहाँ पे हो रहा है। आप सबसे ज़रा दरख्वास्त है जितने भी आए हैं पूरे पाकिस्तान से लोग उनसे कि वो वहाँ पे वो भी देखे जाएं शाम को। और यहाँ पे हमारे दरमियान पे नसीमुल्लाह भट्ट जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स के फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं हमारे दरमियान में यहाँ पे एसोसिएशन जो खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे साफ़ी ज़रात उनकी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और यहाँ पे और दीगर शायद साथी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स आज से 8 साल पहले बस लोगों के नाम तक ही जानते थे कि ये क्या है जिसको कहा जाता था कि वीडियो गेम है। ये वीडियो गेम आज पाकिस्तान या पूरी दुनिया की टॉप गेमों में शुमार होती है। और मैं यहाँ पे बताना चलूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान में इतने छोटे से कलील अरसे में पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है वो वर्ल्ड चैम्पियन तक पहुँच चुके हैं। हमारे दरमियान में यहाँ पे आप वर्ल्ड चैम्पियन मौजूद हैं अरसलान सदीकी पूरे दुनिया में उनका नाम बड़े फख्र से लिया जाता है। उनसे गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ लाएं अरसलान सदीकी। सब लोग उनके फॉलोअर हैं, 15 अरब लोग उनके फॉलोअर हैं दुनिया में।
Arsalan Siddiqui, white champion, taken third. अभी हाल ही में ये बाली में भी गोल्ड मेडल जीत के लाए। यूरोप में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है अगस्त में, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जहाँ तक खेलने की जरूरत, यहाँ पे जीतना आपके लिए भी जरूरी होगा। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स जो खाली इसका जो दायरा कार है वो बाकी गेमों की तरह नहीं है। बाकी गेम जैसे कि मैं आर्चरी का सेफ्टी हूँ पाकिस्तान का, मैंने सिर्फ आर्चरी पे ही तवज्जो देनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में इस तरह नहीं है इलेक्ट्रॉनिक। और अब जो OCA ने उसमें गेमें मजीद इंक्लूड की हैं 10, वो ओलंपिक्स गेम है जिसमें आर्चरी है, फुटबॉल है, फीफा है और सॉकर है और चेस है और बास्केटबॉल है और इस तरह की 3 गेम और हैं। अब एशियन गेम में जब होंगी ये गेमें, अब मैंडेटरी वो कह रहे हैं कि इसमें से 2 या 3 गेमें आप वो भी खेलेंगे। तो मैं अपने तमाम यहाँ से पाकिस्तान भर से यहाँ पे प्लेयर मौजूद हैं, काफ़ी प्लेयर यहाँ पे मौजूद हैं जो जिनके भी मैचेस हैं, और काफ़ी प्लेयर हॉस्टल्स में अभी रेस्ट कर रहे हैं कि उनके मैचेस इसके बाद हैं या शाम को मैचेस हैं। तो ये छोटा सा मुख्तसर सा तारफ सा। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा पहले कि कुछ अपने मेहमान खुसूसी को बुलाऊँ 1-2 बातों के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अरसलान सिद्दीकी साहब आए और फॉर फ्यू वर्ड्स फॉर द ऑडियंस। एंड अरसलान सिद्दीकी, ख्याल है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी कम्युनिटी को ऐसा स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ पे मेरे साथ और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं जिस तरह के आतिफ खान, वो भी मैंने काफ़ी अभी आतिफ भी जीत गया वर्ल्ड चैम्पियनशिप, खान भी वो सामने आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और कोई भी अगला वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता है। और हम इसी तरह मेहनत करते हैं कि ऐसा कम्युनिटी तो हम मजीद टाइटल लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए। भाई अच्छा नहीं हो, मेरे साथ विक्की रन खान का नाम भी बहुत मशहूर है इंटरनेशनल, वो अमेरिकन कप में मतलब फाइनल भी जीत चुके थे, तो वो भी आगे आ गए। खान साहब वही बात, आतिफ भाई साहब, आतिफ भाई साहब है, वेलकम भट्ट साहब। मैं यहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली जितनी जल्द हो सके हमें अपीलेशन दिलवाई जाए ताकि हमारी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली, उस वजह से हमारे काफ़ी मसाइल जो हैं वो पेंडिंग है। तो आप सब की भरपूर तालियों में सैयद आकिब खान साहब। एशिया के एसोसिएशन के लिए तो मैं तो मान दीजिए कि आप फिर में यहाँ पर करेंगे और फिर दोबारा से भी आपके साथ मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में हुआ और ये आपको ये पता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई हमें कोई इक्विपमेंट नहीं दी हुई स्पोर्ट्स की, ये तमाम सामान किराए पर लाया गया और खुद से भी इसके पैसे किराए के देने के लिए। हम आप तमाम का मेजबान हो, खुश रहे और आबाद रहे। देखिए तालियां बजाएं और ये सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इनके साथ 100 महीने से काम कर रही है। इससे पहले हमारा पबजी का इवेंट खत्म हो चुका है, तकरीबन 270 जो थी टीमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें I8 ने जो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। आपने ओपन करना है वहां जाके जी, मैं उम्मीद करते रहते हैं।
बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में अपना भाई